गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आईपी कैमरे का कंप्लीट सेटअप कैसे लगाते हैं, मतलब एनवीआर, आपका स्विचेस, कैमरे को कैसे कन्फिगर करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट था, बहुत लोग को चाहते थे कि सर एक बार कैसे पूरा चीज़ें को कमीशनिंग करते कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं। अभी मैंने जो लिया है आपका, ये 16 चना का हमारे पास एनवीआर है जिसका मॉडल नंबर है 4K4162-V2 मॉडल है हमारा, ठीक है। और उसके साथ फिर मैंने स्विचेस जो लिया है, ये 4 पोर्ट का स्विच मैंने लिया है, ठीक है, जिसका मॉडल है CP-DNW HP4H2-6, ठीक है। और ये मैंने दो कैमरे का जिसका मॉडल है आपका TA30L3S-V2, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है जो भी है आप देख रहे हैं, सो लेटेस्ट मॉडल ये भी है। और ये 2 मेगापिक्सल कैमरा ये भी है, सिर्फ 2 मोबोलेट है, बाकी सेम मॉडल है आपका, ठीक है। सबसे पहले मैंने किया क्या है, पहले कि ये NVR है हमारा, ठीक है, NVR को मैंने ये देखिए, ये LAN केबल निकाल करके, ठीक है, ये वायर देखिए, ये वायर को मैंने क्या किया है, ये अपलिंक में डाल दिया है मैंने, ठीक है। जब ये अपलिंक में डालेंगे तो लाइट जलेगा इसका, देखिए लाइट आ गया, ठीक है। और ये जो दोनों कैमरे का है लैन केबल, डायरेक्टली हमने कैमरे को दिया है सेपरेट, ठीक है। अगर आपके पास मोर देन 1 स्विचेस है, या ठीक है 2 स्विचेज यूज़ कर रहे हैं, 3 स्विचेज यूज़ कर रहे हैं, या 4 स्विचेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो अपलिंक, यहाँ 2 पोर्ट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ आपको, तो ये मेरे पास एक और स्विचेज है 4 चैनल का, ठीक है, ये देखिए 4+1 स्विचेज है, ठीक है, जिसका मॉडल नंबर है HP4H1-5, ठीक है। इसको अगर आपके पास और भी ज़्यादा स्विचेज है, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे कि इसको भी अपलिंक में डालेंगे, ठीक है, और आप इसे पोर्ट नंबर 1 पे डालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी कैमरे हैं जहाँ भी एरिया में इंस्टॉल्ड हैं, वो बाकी सारे पोर्ट में डाल देंगे। अगर इसके बाद भी अगर और कोई स्विचेज है, तो वो अपलिंक से निकाल करके आप दूसरे वाले जो स्विचेस लगेगा, उस स्विचेस के फर्स्ट पोर्ट में आपको डालना है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके भी एक लिमिटेशन है कि आप 2 या 3 स्विचेस से ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो में लेटेंसी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसे दिखाता हूँ कि कैमरे को ऐड कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं कैमरे को इनिशियलाइजेशन पहले ही कर लिया हूँ। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है दूसरे वीडियो में, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि राइट क्लिक कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन पर जाइएगा, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको फिर रिमोट डिवाइस का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन पर जाइएगा। स्मार्ट ऐड पे आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम यूज़ कीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे गए हम, डिवाइस सर्च पहले करवाएंगे कि डिवाइस सर्च आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए 2 कैमरा हमने लगाया था, दोनों का हमारा आईपी आ गया है। फिर इसको यहाँ पे क्लिक करना है आपको बारी बारी से, और ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो आप कैमरे के आईपी डालेंगे, पासवर्ड आप जो यूज़ करेंगे, वही पासवर्ड आपको पुट करना होगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दिया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ प्रोसेस गलत किया है आपने, प्रोसेस आपका सही है, वो सिर्फ मांग रहा है आपसे पासवर्ड, ठीक है। तो जो आपने पासवर्ड बनाया है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है आपको। मैंने इसका पासवर्ड बनाया था एडमिन, तो यहाँ पर हम एडमिन डालेंगे। अब ये हमारा कैमरा देखिए यहाँ पे चल गया आपका, ये कैमरा हमारा चल गया, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली हम दूसरा कैमरा भी ऐड करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे वापस जाएंगे और फिर से देखेंगे कौन सा आईपी बचा हुआ है। तो ये 250 आईपी है, तो 250 आईपी को दोबारा सेट करवाएंगे
और ये ऑटोमेटिक चल गया क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट आईपी जो है यहाँ पे एडमिन ही है, इसलिए एडमिन ने बाय डिफॉल्ट उठा लिया डीवीआर एनवीआर। तो ये पूरा ओवरऑल सेटअप है सर कि आप कैसे इसे ऐड करवाएंगे, चीज़ें को कैसे हैं। आप चाहें तो इनिशियलाइजेशन का जो ऑप्शन है जो मैंने वीडियो में बनाया है आप उसे देखें, या फिर जैसे ही आप आईपी जाएंगे यहाँ पे सर्च कराएंगे, ये जब तक कि ये ग्रीन नहीं होगा आप कैमरा को ऐड नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे ये क्रॉस दिखाएगा आपको ऐसे, तो करना क्या होगा आपको, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, जैसे आप आईपी सर्च डिवाइस सर्च करते हैं, ठीक है, या आपका आईपी आ गया, यहाँ पे अभी ग्रीन दिखा रहा है, ये आपको क्रॉस दिखाएगा, ठीक है, और वाइट हो जाएगा, ये ग्रीन नहीं रहेगा। तो फिर इसको क्लिक कर करके और यहाँ पे जो इनिशियलाइज का जो ऑप्शन आ रहा है इसको इनिशियलाइज करना है आपको, ठीक है। जब तक इनिशियलाइज नहीं दी, यहाँ लिख दिया देयर इज नो डिवाइस टू इनिशियलाइज, ये ऑलरेडी हो गया है इसलिए नहीं लिख रहा है, अगर रहता तो आपको हो जाता है। वैसे मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है तो आप उसमें देख सकते हैं कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था सर ओवरऑल प्रोसीजर कि कैसे क्या करना है, सेटअप कैसे लगाना है। ओके, थैंक यू।